तेरे माथे पर ये आंचल बहुत खूब है लेकिन तू इस आंचल का परचम बना लेती तो अच्छा होता आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और आप लोगों को इस दिन की बधाइयाँ लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं भारतवर्ष की जिनके लिए न्याय की आज हम गुहार करेंगे ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम कैसे मनाएं जब देश में इस तरह के हालात होंगे देश की किसी भी महिला के साथ जब उत्पीड़न होता है उसके साथ हिंसा होती है तो बहुत बुरा लगता है जिसे बयां नहीं किया जा सकता और ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान की महिला के साथ उत्पीड़न होगा तभी बुरा लगेगा किसी विदेश की महिला के साथ इस संसार की किसी भी महिला का जब शोषण होता है तो निश्चित ही रूप से हर उस शख्स को जिसमें मानवता है उसे बुरा लगता है चाहे फिर वो महिला पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की हो या मणिपुर की इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ की रहने वाली है लेकिन दुर्भाग्य है ये हमारे देश का कि जिस देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में इतनी बड़ी घटना होने के बाद अपने संसद में दिए हुए भाषण में मात्र डेढ़ की स्पीच में मणिपुर की महिलाओं का जिक्र करते हैं। वो महिलाएं जिन्हें दिन दिहाड़े बिना कपड़ों के सड़कों पर दौड़ाया गया जिनके साथ हिंसा हुई जिनके साथ अत्याचार हुआ लेकिन देश की सरकार खामोश थी प्रदेश की सरकार खामोश थी उन महिलाओं को आज दिन तक न्याय नहीं मिला संदेश खाली में भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है शोषण होता है अत्याचार होता है और इस बात की आवाज़ जो है वो केंद्र तक पहुंचती है प्रधानमंत्री अपनी एक रैली में संबोधित करते हुए कई मिनटों तक उस अत्याचार का उस प्रताड़ना का जिक्र करते हैं और राजनीतिक बातें करते हैं देश के प्रधानमंत्री जो संवेदनशीलता दिखाने के प्रयास करते हैं उनमें उनकी राजनीति भी झलकती है ऐसा लगता नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री बात कर रहा है ऐसा लगता है कि मन से एक नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सीखने का प्रयास कर रहा है संदेश खाली की बहनों के साथ अन्याय हुआ हमें उस बात का दुख है उस बात का दर्द है और वो निश्चित ही एक बहुत ही निंदनीय घटना थी लेकिन उन बहनों को आज इंसाफ भी मिल रहा है हम बात करेंगे उन महिलाओं की मणिपुर में जिनके साथ हिंसा हुई उन्हें आज दिन तक इंसाफ नहीं मिला क्या परिभाषा है इस इंसाफ की क्या परिभाषा है इस न्याय की क्या महिलाओं को न्याय सिर्फ वही मिलेगा जहां पर भाजपा चाहेगी जहां पर केंद्र सरकार चाहेगी हम तो पूछेंगे हम तमाम सवाल वो पूछेंगे जो महिलाओं के हित में होंगे जो समाज के हित में होंगे और जो समाज हित से जुड़े होंगे इस कड़ी में हम बस ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर मणिपुर की महिलाओं का क्या कसूर रहा उन्हें आज दिन तक न्याय क्यों नहीं मिल पाया सुप्रीम कोर्ट भी इसमें जो है वो बयान जारी करता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बयान आता है कि अगर मणिपुर की महिलाओं को केंद्र सरकार की के तरफ से समय से न्याय उचित जो है उनके लिए फैसला नहीं लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें दखल अंदाजी देकर पूरे मामले की जो है वो सत्यता को बाहर लाएगा लेकिन अब तक इतने महीने बीत जाने के बाद अब तक तो कोई भी ऐसा हमें संकेत या कोई भी ऐसा फैसला हमारे सामने नहीं आया है कि हम कहें कि हमारी मणिपुर की बहनों को न्याय मिल गया ये सवाल है और ये सवाल हम पूछते रहेंगे क्या महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है उसका इस्तेमाल सिर्फ और और सिर्फ 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 राजनीतिक रोटियां के लिए ही किया जाएगा क्या महिलाओं का जो शोषण हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा चुनाव सर पर है अपने भाषणों में आप महिलाओं के उत्पीड़न की बात कर रहे हैं लेकिन जहां पर आप न्याय नहीं दिलवा पाए आप उन सवालों के जवाब देने के बजाय चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं देश जवाब चाहता है इस भारतवर्ष की हर महिला आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जवाब चाहती है कि आखिर कब तक भारतवर्ष की महिलाएं इसी तरह से प्रताड़ित और शोषित होती रहेंगी और हम मूक दर्शक बनकर देखते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो इसे आगे साझा जरूर करें देखते रहें खबर हाथ